नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे आज हमारा टेलीग्राम चैनल और YouTube चैनल भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले टाइम और डेट मैं आपके साथ अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, अभी टाइम हो चुका है 1:55 PM, 21 दिसंबर 2020 डेट आज का। तो मैं आपको सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, बुल ट्रेडर्स करके है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉल हम टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ प्रोवाइड करते रहते हैं। देख सकते हो, यहाँ पे हमने टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ बहुत सारे कॉल और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ मिलती है, हम जो रिसर्च करते हैं वो भी आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और मैं आपको हमारा टेलीग्राम यूट्यूब चैनल भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज हमने अपलोड कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे मतलब ब्रोकरेज कैलकुलेटर होता है, जो भी है, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे अपलोड कर ली है। आप जाके एक बार विजिट करके सब्सक्राइब करके वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले जाके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 1443, मतलब लगभग 1500 रुपए के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया है। एक बार मैं आपको स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। देख सकते हो, ये हमारा प्रॉफिट है। और मैं ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ। ये कंप्लीटेड ऑर्डर है, 1022 से शुरू किया था, लगभग 1143 के आसपास हमने उसको कवर कर दिया। तो आपको कब क्वांटिटी बढ़ाना है, कब क्वांटिटी घटाना है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट आपको अर्न करना आना चाहिए और जो भी आपका लॉस हो रहा है वो मिनिमम रखना आना चाहिए। तो वो चीज़ें आपके फेवर में तभी जाती है जब आप बहुत सारे ट्रेडिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें आप में आने लगेगी। उसके लिए आपको रोज ट्रेडिंग करना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा और मार्केट को हमेशा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा है कि आप उसके साथ डिबेट करते रहो और आप उसके साथ फाइट करते रहो। आपके सामने जो ट्रेडर बैठे रहते हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं और उनके पास बहुत ही उम्दा सिस्टम रहता है, मतलब बहुत ही बेहतरीन सिस्टम रहता है ट्रेडिंग करने के लिए। उनके प्लेटफॉर्म भी बड़े बड़े रहते हैं, कैपिटल भी बड़ा रहता है। तो आप उनके साथ अगर फाइट करने बैठोगे तो आपका पूरा कैपिटल खत्म होने के बाद भी ये फाइट रुकने वाली नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर वो बाइंग साइड में है तो आपको बाइंग साइड में रहना है, वो सेलिंग साइड में है तो आपको सेलिंग साइड में रहना है, और आपका जो भी मुनाफा है वो लेके निकल जाना चाहिए। और मार्केट को हमेशा रिस्पेक्ट करना, ये पहली चीज़ होती है ट्रेडर के लिए। तो अगर कोई ट्रेडर मार्केट को रिस्पेक्ट कर नहीं पाएगा तो वो पैसा कमा नहीं सकता है। तो मार्केट को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। जैसे कि मार्केट देख सकते हो, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास जब भी जाता है तो रिस्पेक्ट करता है, वैसे ही आपको मार्केट को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। देख सकते हो, यहाँ पे गया था तो रेजिस्टेंस से पास जाने के बाद नीचे आ गया, फिर से ऊपर चला गया। तो मार्केट जैसे अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करता है, वैसे ही आपको अपने मार्केट को रिस्पेक्ट करना है। उसी के साथ साथ आपको कितने ट्रेड देर में लेने, ये भी फिक्स करना है। ऐसा नहीं कि दिन भर ट्रेड करते बैठो और कुछ भी हाथ में न लगे। तो प्रॉफिट मिलाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेड करने से अच्छा है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना जा रहा है, उसके हिसाब से आप ट्रेड करना सीखो। तो एक बार आप ट्रेडिंग सीख गए तो उसके बाद लॉट साइज बढ़ा के आप प्रॉफिट बढ़ा कर सकते हो। अभी क्या होता है, कभी कभार आपका लॉट साइज बड़ा होने के कारण बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, उसके बाद आप छोटे छोटे प्रॉफिट करने के लिए बैठते हो और बड़े बड़े लॉस करते हो। तो ये चीज़ें होती रहती है। तो आपको इसके ऊपर कंट्रोल लाना है, कैसे लाना है आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके जानकारी पा सकते हो। किसी का भी वीडियो देखो लेकिन एंड तक देखोगे तभी आप उनके थॉट प्रोसेस को पकड़ सकोगे। तो आज देख सकते हो, ये मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, लगभग यहाँ पे देख सकते हो 100 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होने के बाद पहले 15 मिनट कैंडल में रेड कैंडल बना दिया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। मैंने बहुत बार बताया कि मार्केट यहाँ पे देख सकते हो गैप अप ओपन हुआ, मार्केट नीचे आ गया, गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। तो जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आता है, क्योंकि जिन्होंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट या बाय किया था उनको ओवरनाइट प्रॉफिट मिल रहा है, तो उनका हड़बड़ी में प्रॉफिट बुकिंग होता ही। ह्यूमन साइकोलॉजी रहती है, क्योंकि अगर आपको कम मेहनत में ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो आप वहाँ पे पैसा लेके जाना ही सोचते हो। तो प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करते, वो वेट करते। देख सकते हो वहाँ से मार्केट अभी भी कितना पॉइंट गिरा है, 500-600 पॉइंट का मार्केट में रैली कर चुका है, मार्केट बेरिश हो चुका है। तो ये मोमेंट कैप्चर करने के लिए आपके पास पेशेंस होना जरूरी है, आपके पास एनालिसिस होना जरूरी है। और ये चीज़ें कब आ सकती है, जब आप रोज ट्रेड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीज़ें आप अपने आप अपने अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि मैंने टेलीग्राम का लिंक और टेलीग्राम का चैनल ओपन करके दिखा दिया, वहाँ पे जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। यूट्यूब का दिखा दिया, वहाँ पे जाके आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टा हैंडल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पे जाके आप हमको फॉलो करके हमारे साथ कुछ बातचीत हो गई या कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे वहाँ पे आप हमको सीधा मैसेज कर सकते हो, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये था आज का वीडियो।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।